टॉपिक था निर्भयता का महत्व। निर्भयता यानी कि एक तरफ निर्भय और दूसरे तरफ डर, दोनों उल्टा है। छोटी सी देर बात एक जान जाए, हम लोग घर में अक्सर आप सुनते भी होंगे चाहे देखे भी होंगे, रात का अंधेरा है और अंधेरे में डर एक ऐसा चीज है कि रस्सी भी सांप नजर आने लगता है, डर जाता है आदमी, रस्सी उसको लगता है कि सांप। डर ऐसा चीज है कि अगर आप चलते हैं रात में और आपके रास्ते में कोई लंबा सा पेड़ है तो समझ में आता है कोई भूत खड़ा है और उस पेड़ को अंधेरे में देख के लोग डर जाते हैं, जबकि वो भूत नहीं है। अगर डर आपके अंदर है तो समझ जाए कि आपके पास किसी भी समस्या का समाधान भी है तो वो समाधान नहीं होगा, क्योंकि डर है, बुद्धि नष्ट कर दी। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, सारी बुद्धियां खत्म हो जाएगी अगर आपके अंदर डर है। तो आपको कहने का मतलब है कि कोई भी काम निर्भय होकर करना पड़ेगा। अगर निर्भय नहीं होंगे तो नहीं सफल होंगे। अगर एग्जाम्पल दें तो एक कबूतर के सामने जब बिल्ली आ जाती है तो कबूतर क्या करता है पता है आपको? उसके पास तो पंख है, उड़ सकता है, बिल्ली कैसे पकड़ेगी कबूतर को? बिल्ली तो उड़ नहीं पाएगी, मगर वो पंख इस्तेमाल ही नहीं करता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो आंख बंद कर देता है और आंख बंद करके यही सोचता है कबूतर कि बिल्ली नहीं है, पर बिल्ली तो है, और फिर उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। ऐसा आपको बता दें, ऐसा रिसर्च भी किया गया है, जैसे दो बकरियां, एक बकरी को जंगल में छोड़ दिए यानी खुले मैदान में, और एक बकरी को ऐसे जगह बांधे जहां उसके सामने एक पिंजड़ा है और उस पिंजड़े में एक शेर है और दोनों को खाने के लिए हम बराबर दे रहे हैं। 6 महीने के बाद देखा गया कि जिसको खुले मैदान में छोड़े थे बकरी को, उस बकरी का शारीरिक मानसिक हर तरह का विकास वो पिंजड़े के सामने जो शेर था उससे ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? दोनों को खाना तो एक ही मिल रहा था, इसलिए हुआ कि पिंजड़े वाली बकरी, जो पिंजड़े में शेर था, उस बकरी को यह लगता था कि यह कभी भी शेर निकल के मुझे खा जाएगा, यह डर उसके अंदर, जिसके चलते वो खाती भी थी तो उसके बॉडी पे उसके मानसिक विकास में काम नहीं करता। इसलिए आप एक चीज जान जाए, ये जो जीवन है बहुत संघर्ष है इस जीवन में, और इस जीवन के संघर्ष में अगर आगे निकलना है तो आपको डर निकालना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। आप एग्जाम देते हैं, मैं बता रहा हूं आपके पढ़ाई में क्या होता हो, और ऐसा ही होता है कभी कभी, अगर आपके बगल में आपके क्लास में पढ़ने वाले मान लीजिए कि आपके सहपाठी हैं और आपको खूब अच्छे से पता है कि मेरा सहपाठी जो मेरे बगल में आज बैठा है वो मुझसे ज्यादा जीनियस है या मुझसे ज्यादा जानता है, मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं, और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, आप उससे बढ़िया जानते हैं, फिर भी आप उसकी कॉपी की तरफ देखते हैं, आपको आ रहा है लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उसकी कॉपी की तरफ देखते हैं या उससे हिंट लेते हैं, क्योंकि आपको डर है कि मैं बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा और ये जो मेरा दोस्त है मुझसे ज्यादा जानता है ये तो एकदम राइट ही बनाएगा, और आप वो गलत करता है, आप भी गलत कर जाते हैं या चिट्ठी में पकड़े जाते हैं। तो आप एंसर भी अपना दें तो निडर होके दें, अपने दिमाग से दें, अपने भाव को लिखें, आप दूसरे के भाव को ना पकड़े,
ये जरूरी नहीं कि वो लड़का जो क्लास में अच्छा कर रहा है हर क्वेश्चन आपसे ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट करेगा। आप खुद ही बहुत महान है। आप ये सोचें कि मैं बहुत जानता हूं, मेरे पास खुद ही बहुत सारा चीज है, और अपने भाषा में अपने तरीके से अपने दिमाग से लिखे, मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल डर को निकाल दें, चाहे पढ़ाई का बात हो, एग्जाम का बात हो, सांसारिक बात हो, कहीं सफर में जा रहे हो, कोई डर नहीं। अगर डर होगा तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहीं रुक जाएंगे। और सबसे बड़ा डर, दुनिया का सबसे बड़ा डर, सब लोग जानते हैं कि मरना तय है, सबको मरना है, और हम लोग सबसे ज्यादा मरने से ही डरते हैं, मृत्यु से। मृत्यु तो लगा हुआ है, आप अदर बदल उठा के देखो ना नजर, लोग जा रहे हैं, एक जा रहा है, दूसरा पीछे लगा हुआ है, सबको जाना है। हम सब जानते हैं कि मरना तय, मृत्यु सभी की होगी, लेकिन फिर भी हम लोग उससे डरते हैं। और मरने का टाइम अगर 10 साल पहले है तो मौत को हम लोग पहले ही बुला लेते हैं और अपनी जिंदगी को ही मार देते हैं। तो जिंदगी ना मारे,